ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है रेडिक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की नोट सीरीज में से आने वाले सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 के बारे में, जो कि एक टाइम में मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्मार्टफोन रहा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ मसाला देखने को मिल जाता था सैमसंग के नोट 9 में। मसाला से मेरा मतलब था काफ़ी अच्छे फीचर्स थे उस टाइम पर। एंड मैंने भी इस स्मार्टफोन को ऑन किया है दो बार से ज़्यादा, आई गेस। मतलब ख़रीदा फिर बेचा और फिर ख़रीद लिया, और अभी भी ये स्मार्टफोन जो है मेरे घर में पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कौन यूज़ करा एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं, बट कुछ कमी थी डिस्प्ले वगैरह की, तो उसे ठीक कराने के बाद में यह अभी भी मतलब वर्किंग कंडीशन में है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यह स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट मेरे को यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया था। बस इसके अंदर एक ही कमी थी, वो था एक्सिनोस का प्रोसेसर। ऑल्दो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट था वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का जो एक्सिनोस वेरिएंट था। वेल, ये स्मार्टफोन को सैमसंग ने प्रोवाइड कराया आई गेस दो मेजर ओएस अपडेट, एंड उस टाइम पर दो मेजर ओएस अपडेट ही प्रोवाइड किए जाते थे। एंड सैमसंग ने आई थिंक इसको वन यू आई वर्जन 1 पर ला करके इसको एंड कर दिया। एंड्रॉयड नोगट पर आया था, एंड्रॉयड ओरियो पाए, फिर एंड्रॉयड 10 जो कि वन यू आई था। तो तीन मेजर ओएस अपडेट यहाँ पर इसको जो है मिल चुके हैं। मुझे इसके बारे में मतलब लॉन्चिंग का इसलिए पता है क्योंकि जिस टाइम पर ये लॉन्च हुआ था उसके एक डेढ़ महीने बाद ही मैंने इसको ऑन करना स्टार्ट कर दिया था, इसको परचेज कर लिया था। बिकॉज नोट सीरीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अनफॉर्चुनेटली सैमसंग ने अब नोट सीरीज़ को ऑफ कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, बंद कर दिया है बेसिकली, क्योंकि सैमसंग ने अपनी एस सीरीज़ में ही नोट सीरीज डाल दी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर्सनली मैं नोट फैन हूँ, और नोट ओरिएंटेड स्मार्टफोन जो है मेरे को ज़्यादा पसंद आते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9 है ये अपनी अपडेट पॉलिसी को यूज़ कर चुका है। 2019 में आई गेस इसको लॉन्च किया गया था, सितंबर में लॉन्च करता है सैमसंग हमेशा से सितंबर अक्टूबर में। तो यहाँ पर इसका लॉन्च इवेंट हुआ था सितंबर 2019 आई गेस, एंड उसके बाद में जो है इसको ऑलमोस्ट 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आज सितंबर में। तो यहाँ पर इसकी जो मंथली सिक्योरिटी पैचेस थी वो वहाँ से शिफ्ट कर दी गई है क्वार्टरली सिक्योरिटी पैच की कैटेगरी में। जब सैमसंग ने अपना नोट 9 रिलीज़ करा था तो रिलीजिंग के टाइम पे यहाँ पर सैमसंग ने कहा था कि सैमसंग अपने नोट 9 से और नोट 9 के आने वाले बाद के स्मार्टफोन्स या नोट 9 के बाद के जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन होंगे उन सभी के अंदर सैमसंग 4 साल की जो है सिक्योरिटी पैचेस रोल आउट करेगा। तो काफ़ी एक लकी स्मार्टफोन रहा है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9, क्योंकि उसके बाद से ही सैमसंग ने जो है 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट किए थे। एंड यहाँ पर सैमसंग का नोट 9 में हमें जो है 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिले थे, एंड इसी की वजह है कि आज तक भी हमें जो है 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस नॉर्मली सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब तो 5 साल हो गए फ्लैगशिप के लिए, एंड नॉर्मली जो है 3 साल के अभी हमें ए सीरीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। लेट्स सी और क्या क्या चेंजेस होते हैं सैमसंग के अपडेट पॉलिसी के अंदर, बट फिलहाल जो चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। और लो यहाँ पर इसको अभी सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे 1 साल तक के, यानी कि टोटल 5 ईयर्स हो गए, 4 ईयर्स के मंथली एंड 1 ईयर के क्वार्टरली, जहाँ पर कि आपको जो है 3 से 4 महीने के अंदर एक सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। जब भी अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन पर टर्न ऑन करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।